ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बोलिए, बंटवारे को लेकर मौजूदा स्थिति क्या है? एक दूसरा, क्या कांग्रेस की लेट लतीफी की वजह से महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला जो है अब तक सामने नहीं पाया? बात ऐसी नहीं है, कांग्रेस की लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। आज तक, आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है। तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है, उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है, उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव में आपने बड़ा दिल दिखाया था, अमरावती रामटेक जैसी अपनी सिटी जो थी उनको दिया था, क्या कांग्रेस अब कुर्बानी देने के लिए तैयार है? बात कुर्बानी की नहीं, बात देश हित की और महाराष्ट्र हित की है। अगर कुर्बानी की बात कही तो सिर्फ अमरावती और रामटेक नहीं, तो कोल्हापुर भी उसमें आता है। कोल्हापुर में हमारी वहाँ उस वक्त हमारे सांसद थे, हमारी सिटिंग सीट थी। अमरावती भी लगभग हमारी सिटिंग सीट थी, रामटेक हमारी सिटिंग सीट। तो जरूर हमने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि हमें संविधान के दुश्मनों का पराभव करना था, उनको हराना था। और आज महाराष्ट्र में एक भ्रष्ट सरकार को, एक घटना बाह्य संविधान के खिलाफ काम करने वाले सरकार को हमको नीचे उतारना है। बिल्कुल सर, संविधान की रक्षा की बात आप लगातार कर रहे हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं का जो रवैया रहा है, आपने पहले कुछ दिन पहले कहा कि वो सक्षम नहीं फैसले लेने में, आपको लग रहा है सर उन्हें जमीनी हकीकत का एहसास नहीं हो रहा है? मैं ये नहीं कहूंगा, देखिए हम सब राजनीति में सालों साल से काम करते हैं, लेकिन हर पार्टी को लगता है कि मेरे कार्यकर्ता को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, जैसे हमको लगता है, एनसीपी को लगता है, वैसे उनको भी लगता होगा। लेकिन ये आघाड़ी है, ये अलायंस है, सबको अपने अपनी भूमिका रखने का अधिकार जरूर है, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो सबको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। सर, क्या आप जैसे हमेशा करते हैं शिवसेना या फिर एनसीपी तैयार है, आपको लग रहा है कांग्रेस की भूमिका त्याग? कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। अब ये कांग्रेस तो हर विश्व में भी अनेक अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी, तो बड़ी पार्टी है, बहुत ही बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई। तो दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है, महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र है, जैसे भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, इसलिए हमारे उनसे जमी नहीं ज्यादा कभी, इंटरनेशनल पार्टी से हम क्या बात करें। मैं क्या उनको मार्गदर्शन करूँ, उनके यहाँ बहुत मार्गदर्शक है, मैं उनको मार्गदर्शन करना या उद्धव जी ने उनको मार्गदर्शन करना ठीक नहीं। हम जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ते हैं, हम महाराष्ट्र के हित में काम करने वाले कार्यकर्ता है और हम सबसे पहले देश हित को सबसे ऊपर मानते हैं। सर, कश्मीर में 7 लोगों की हत्या और आतंकी हमला हुआ है, उस पर आपकी पार्टी की भूमिका क्या है? अमित शाह ने इस्तीफा देना चाहिए, भूमिका क्या हो सकती है? अमित शाह गृह मंत्री कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, ना मणिपुर की जिम्मेदारी लेते हैं, ना जम्मू कश्मीर की लेते हैं। कभी ना कभी नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और मंत्रियों ने इस्तीफा देना चाहिए।